हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी के प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर कौन सा टेक्निकल हमें देखने को मिलता है, यह किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन सी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन कीटों पर इसका कंट्रोल अच्छा रहता है, प्राइस क्या है, डोज क्या है और साथ ही साथ जानेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को देखें लास्ट तक बिना स्किप किए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल में बने रहें लास्ट तक। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियाजुल मंसूरी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड के अंदर हमें इमोमेक्टिन बेंजोएट 5% SG यानी सोलेबल ग्रेनुअल, जो कि सेब के आकार में दिखने वाली दवाई देखने को मिलती है। यह हमारे पौधों में नॉन सेलेक्टिव तरीके से कार्य करती है। आइए जान लेते हैं इसका उपयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम मुख्य रूप से चना, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, बंद गोभी, मटर, टमाटर, बरबटी, मसूर, मेंथा आदि फसलों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। बात करें यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो यह मुख्य रूप से तनाछेदक, फलवेदक, तम्बाकू इल्ली, पिंक बॉलबर्न, अमेरिकन बॉलबर्न, कटरपिलर और सफ़ेद सुंडी और सभी प्रकार की चबाने वाली इल्लियों को यह आसानी से कंट्रोल करता है और साथ ही साथ यह थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, प्रोक्लेम के अंदर हमें ट्रांसलामिनार एक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे फसल में स्प्रे करते ही यह हमारे पौधों में आसानी से बैठ जाता है और हमारे पौधों पर पूरी तरीके से फैल जाता है। जब हमारे कीट इस पर अटैक करते हैं, उसको खाने के बाद हमारे फसल में हमारे कीट जो होते हैं उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और वह भूख के कारण मर जाते हैं। रेसिडुअल एक्टिविटी, अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी यानी इसके कार्य करने के टाइम के बारे में। तो जैसे कि हम इसका स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें 10 दिन का देखने को मिलता है, यानी स्प्रे करने के 10 दिन तक यह हमारी फसल पर सुरक्षा कवच बनाए रखता है। इतने दिन तक हमारी फसल में इल्लियों का कंट्रोल आसानी से रहता है। और बाकी दोस्तों, मौसम के हिसाब से इसका रिजल्ट हमें ज़्यादा भी देखने को मिलता है, नहीं तो मिनिमम 7 से 10 दिन तक का इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिल जाता है। डोज, तो दोस्तों इसकी डोज की अगर हम बात करें तो जो हमने फसलें बताई हैं उन फसलों में हमें 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी लेना है और उस 150 लीटर पानी में 100 ग्राम प्रोक्लेम दवाई को घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर देना है। आपको 100% बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो मार्केट में हमें इसका 100 ग्राम दवाई का रेट लगभग 300 से 350 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है, यानी 100 ग्राम दवाई हमें मार्केट में 300 से 350 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि इसी टेक्निकल के हिसाब से आप किसी और कंपनी का भी इमोमेक्टिन बेंजोएट को ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपको यह मिलता है तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसके भी रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।